हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव, वेलकम टू बैंकिंग करियर। बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, आप सभी के मन में एक ही बात चल रहा होगा कि आईबीपीएस क्लर्क 2018 का रिजल्ट कब आएगा। प्री का डेट 20 जनवरी को है। उसके बाद आरआरबी पीओ, जिनके फाइनल लिस्ट आने वाले, वो भी इंतजार करने वाले होंगे, कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, इसमें मैं आपको एक फिक्स डेट बताता हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा, आईबीपीएस क्लर्क 2018 का रिजल्ट कब आएगा प्री का, और आरआरबी पीओ का 2018 का जो फाइनल लिस्ट है वो कब आएगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक बात क्लियर कर लूँ कि ये वीडियो में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक ट्रू इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि नया यूट्यूब चैनल है तो आपको व्यू ये करने के लिए, बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ भी डेट बताया जा रहा है, ठीक है। तो बस आपको मैं फ्रेंड एक तो ट्रू डेट आपको बताने के लिए कि हाँ, आपके आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट कब आ सकता है, और एक और नए साल में आपको विश करने के लिए, तो दो मोटिव से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं फ्रेंड, आगे डेट, रिजल्ट का फाइनल डेट कब आ सकता है। फ्रेंड, तो जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन पाया है, मैंने वहाँ आईबीपीएस में बोर्ड में फोन किया था, तो फ्रेंड वहां से जो भी मैसेज मिला है, उन्होंने बोला कि सर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको आ जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है, मुझे जो बताया गया है, सेकेंड जनवरी के एंड 2 जनवरी को वेडनेसडे के दिन आपका रिजल्ट 100% आएगा। अगर 2 को नहीं आता है तो 4 को, फ्राइडे को आएगा 100%, यानी आपका रिजल्ट 2 to 4 जनवरी के बीच में आपका आ जाएगा। बस आपको 1 जनवरी को आपको एंजॉय करना है नए साल का, और दूसरी बात, उसके बाद एंजॉय करने के बाद आपको लग जाना आपके पढ़ाई में। बस आपके पास कितना दिन बचेगा, 20 तारीख को एग्जाम ही है तो 15 दिन मैक्सिमम बचेगा, तो आप बस आपको लग जाना है और रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। आई होप, मैं प्रे करता हूँ मैं गॉड से कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो फाइनल जो डेट है रिजल्ट का फ्रेंड, 2 तारीख को, 2 तारीख को आएगा वेडनेसडे को, नहीं तो 4 तारीख को आएगा फ्राइडे को 2019 को, ये फिक्स है। आज तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने वीडियो 31 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज तो नहीं आएगा। उन्होंने बोला भी कि आज नहीं आएगा, तो आज तो पक्का नहीं आएगा। फिर आपको 2-1 को नहीं आएगा क्योंकि 1 साल को नया साल सेलिब्रेट करेंगे, आप सब भी बिजी होंगे तो नहीं देंगे रिजल्ट, ऐसा भी नहीं, उनका छुट्टी ही रहेगा। तो बस आपको 2 और 4 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, मैं आपको नए साल पर आपको ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2019। बिगनिंग में आपको ढेर सारे, आपको सफलता मिले, आपकी जो भी विश हो पूरा हो। मैं आपको अपने तरफ से, दिल से आपको विश करता हूँ, और अपने चैनल की तरफ से, बैंकिंग करियर की तरफ से भी मैं विश करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2019। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।